बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसा लग रहा है आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को टेक्निकल फॉर्म में रिड्यूस करना? हमने पिछले 3 से 4 लेक्चर्स में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को टेक्निकल फॉर्म में रिड्यूस करने के मेथोडोलॉजी सीखी। देन हमने उनको क्लासीफाई किया एलिप्टिक में, हाइपरबोलिक में और पैराबोलिक में, कि जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो हो तो वो एलिप्टिक होती है, जब इक्वल टू ज़ीरो हो तो वो पैराबोलिक होती है, और जब वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो वो हाइपरबोलिक होती है इक्वेशन। फिर हमने एक फंडामेंटल रिजल्ट प्रूव किया, जो मैंने होमवर्क दिया, प्रूव नहीं किया क्योंकि वो बड़ा सिंपल फंडामेंटल रिजल्ट था। उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की कि उस रिज़ल्ट में आपके चाहे आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, चाहे उसका डिस्क्रिमिनेंट लें या जब आप उसे रिड्यूस कर लेते हैं कैटोनिकल फॉर्म में तो उसका डिस्क्रिमिनेंट लें, तो दोनों का साइन सेम रहेगा जी। यानी कि जो इक्वेशन का जो बिहेवियर है वो सेम रहेगा। अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले एलिप्टिक थी तो आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन वो एलिप्टिक ही रहेगी, और अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले पैराबोलिक थी तो आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन वो पैराबोलिक ही रहेगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे विद वेरी स्पेशल टाइप ऑफ दिस काइंड ऑफ रिडक्शन इन टेक्निकल फॉर्म, दैट इज a special type, we can say that special type, that is our equation is let's say is parabolic in some region or hyperbolic in some region, and that then it is elliptic in some other region. Okay, I will explain you in a couple of minutes. So today our focus is on these things. Or at end of the lecture main aapko kuch exercises bhi dunga jo aapne karni hai, aur I hope ke aap isko behtar andaaz se kar sakoge. So the summary of the review of the last lecture, we basically in the last lecture we focused on elliptic equation ji, and we did two main examples in which we saw that how we reduce these elliptic type equations into canonical form ji. Okay, so the outline of my today's lecture is, this is the same thing which I am repeating from last 3 lectures, and I will repeat today for 2 or 3 minutes, and then my focus focal point of my focus on my today's lecture is on mixed type of partial differential equations. Like as I said before, that we cannot say that every equation is hyperbolic or every equation is parabolic or one of these belongs to this form. Sometimes after equation for certain region वो पैराबोलिक होती है, समटाइम्स वो एलिप्टिक हो जाती है, और समटाइम्स वो हाइपरबोलिक हो जाती है। ठीक है, तो एक ही इक्वेशन डिपेंडिंग ऑन द डिस्क्रिमिनेंट, द वेरिएबल ऑन इन द डिस्क्रिमिनेंट। सो हम इसको अभी डिटेल से करेंगे, और फिर एंड पे मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी दूंगा, और डेफिनेटली मैं उनके कुछ हिंट्स भी आपको दूंगा। So what we did basically, this is the same slide from the previous lecture, that we have given partial differential equation in this form, and we have to reduce this in this the following canonical form by a transformation of x, y to at zeta at xi and eta coordinate, theek hai, where a bar is can be written in this form, b bar is this form, and c bar is in this form ji. And then we come to this result. This is again a very fundamental result, and I am repeating again that this result is main point in your transformations ji. This tells us that the sign of the discriminant never changes ji. चाहे अगर वो आपकी इलिप्टिक इक्वेशन थी बिफोर द ट्रांसफॉर्मेशन, तो आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन वो इलिप्टिक ही रहेगी। बिफोर द ट्रांसफॉर्मेशन अगर वो हाइपरबोलिक थी, तो आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन वो हाइपरबोलिक ही रहेगी। ठीक है, और उसमें एक और बात भी इस रिजल्ट में हमें ये पता चल रही है कि जैकोबियन हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका जैकोबियन जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो देयरफॉर द साइन ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट डज नॉट चेंज, आइदर वी आर इन द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आर इन एक्साई ईटा कोऑर्डिनेट्स। सो कम टू द मेन पार्ट ऑफ टूडेज लेक्चर, जिसको हमने मेन एड्रेस करना है, वो ये कि मिक्स टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन देते हैं जी, मिक्स टाइप हम किस को कहते हैं जी. अगर हमारी इफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैज कोफिशिएंट्स दैट आर नॉट कांस्टेंट्स, सबसे पहले तो वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट होंगे तो उनका एक पेट बिहेवियर होगा, वो एक बिहेवियर को फॉलो करेंगे जी, ठीक है. अगर वो कांस्टेंट नहीं है, इफ दे आर नॉट कांस्टेंट, then it is possible that they are maybe that it will not belong to elliptic, वो elliptic ना हो, hyperbolic भी ना हो और parabolic भी ना हो, वो इन तीनों types में से किसी एक में भी ना हो, but rather be of mixed type, यानी वो elliptic hyperbolic हो सकती हैं, वो elliptic parabolic हो सकते हैं, वो parabolic hyperbolic हो सकते हैं और वो parabolic elliptic हो सकते हैं, और इस तरह से ये आपस में formation बना सकते हैं, हम इनके नाम रख सकते हैं जी, ठीक है. तो मिड्स टाइप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम अपनी जो इक्वेशन होगी उसका रीजन आइडेंटिफाई करेंगे कि किस रीजन में वो पॉजिटिव है, किस रीजन में उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या बिहेवियर शो कर रहा है, और किस रीजन में उसका डिस्क्रिमिनेंट डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन द कमिंग एग्जाम्पल आई विल शो यू इन डिटेल दैट फॉर एग्जाम्पल इन फॉर एक्स इज लेस देन जीरो आपकी जो इक्वेशन है वो अगर हाइपरबोलिक है, और आफ्टर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो वो अगर आपकी इक्वेशन पैराबोलिक इलिप्टिक हो जाती है, तो आपको फिर जो दोनों मेथडोलॉजी हम पहले पढ़ के आए वो दोनों अप्लाई करनी होंगी इस मिक्स में जी. हमको पहले पैराबोलिक के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, या हाइपरबोलिक के लिए, या इलिप्टिक के लिए, और फिर दूसरी जो टाइप होगी उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा. और समटाइम्स आपकी इक्वेशन तीनों बिहेवियर्स को शो कर देती है जी, ठीक है. लेट्स से वी विल सॉल्व दिस एग्जाम्पल, एंड अ सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इन द इज द ऑयलर ट्रिचोमी इक्वेशन जी. ये अलग ट्रिचोमी इक्वेशन जब आप थोड़ा सा एडवांस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ेंगे, या आप इस जो मॉडलिंग जब हम करेंगे, तो आपको फील होगा कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, एंड इट इज ऑफ द टाइप पार्शियल टू यू और पार्शियल एच स्क्वायर प्लस एच पार्शियल टू यू और पार्शियल एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एंड हेयर आई टुक एच इज नॉट इक्वल टू जीरो. व्हाई? बिकॉज इफ एच इज इक्वल टू जीरो देन दिस होल term is equal to zero. Oh, I am sorry, there is a mistake. This should be partial to u over partial y square. This should be partial to u over partial y square is equal to zero. So x is not equal to zero. This means this whole term zero, because this x goes to zero, which is called elliptic hyperbolic, because it is elliptic in the region x is less than zero and hyperbolic in the region x is greater than zero. We will discuss this whole equation in very detail. But keep in your mind that this is y here. So this is a typing mistake. So the given partial differential equation is something like that. This is called Euler-Trichomy equation, and we have to reduce this thing. But first of all, we will see which type of equation is this g. And for x is not equal to zero. So here a is equal to 1. 2b is equal to 0 and c is equal to hg. And if 2b is equal to 0, this means b is equal to 0. So b square minus ac, this is equal to 0 square minus 1 into h. This is minus hg. Now, everything depends on hg. इससे पहले हमने जितनी एग्जाम्पल्स थी वो यहाँ पे स्केल की टर्म आ जाती थी, जो शो कर देती थी कि आपका ये नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है या इक्वल टू जीरो है, समथिंग लाइक दैट. अब ये एच है, अब एच में भी एच में भी पॉजिटिव. इफ एच इज पॉजिटिव देन दिस होल टर्म इज नेगेटिव, यस, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइड विद माइनस साइन. एंड इफ एच इज नेगेटिव देन दिस होल टर्म इज पॉजिटिव. सो देर आर टू मेजर केसेस अराइव इन दिस केस. वी कॉल दिस केस फर्स्ट केस को मैं कहूँगा वेन एच इज लेस देन जीरो जी. हम पहले एच इज लेस देन जीरो का केस लेते हैं जी, क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल है और उसमें उसको मैं पहले करना चाहूँगा, ताकि फ्रेश फ्रेश एग्जांपल शुरू हुई है तो आप थोड़ा कंसंट्रेट करो. अगर केस टू को मैं पहले लूँगा तो वो ईजी है, और उसके कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन केस वन को लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा. सो एच, इफ एच इज लेस देन जीरो, तो मैं एच को लिख सकता हूँ एच इज इक्वल टू माइनस जी जी, वेयर माई जेड मस्ट बी पॉजिटिव जी, ठीक है.
मैं x को माइनस जी लिख सकता, एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दिया z, और z को मैंने पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव किया, तो ये होल टर्म रिमेन्स द सेम और ये सेम रहेगा जी. लेकिन जब x को मैं माइनस जी ले रहा हूँ, तो फिर मेरी जो इक्वेशन है इसमें भी मुझे x को रिप्लेस करना पड़ेगा माइनस जी के साथ जी. ठीक है, तो x को अगर मैं माइनस जी ले रहा हूँ, तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है u एट x, उसको भी मुझे देखना पड़ेगा. आई हैव टू एड्रेस देम जी. तो पार्शियल u बाई पार्शियल x बेसिकली पार्शियल u बाई, अब देखें ना चेन रूल लग गया, पार्शियल z एंड देन पार्शियल z बाई पार्शियल x. पार्शियल z बाई पार्शियल x इज नथिंग बट माइनस वन, एंड पार्शियल u बाई पार्शियल z इन टू माइनस वन. सो पार्शियल u बाई पार्शियल x इज नथिंग बट माइनस पार्शियल u बाई पार्शियल z जी. ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक अनदर वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया माइनस जी अपने आपको, बिकॉज मैं बार बार अगर इसको लिखूंगा माइनस एक्स स्क्वायर रूट, तो या तो फिर मुझे इसको, अब इस केस में माइनस एक्स जो है, माइनस एक्स इज पॉजिटिव. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आपको आयोटा नहीं दे रहा. ठीक है, दिस इज रियल. तो अब पूरी इक्वेशन में इसको लेकर मैं चलूंगा, तो ऑफ कोर्स ये एक लेंथी प्रोसीजर बनेगा. तो मैं इसलिए सबसे आसान ड्रॉम ये करता हूँ कि मैं एक्स को माइनस जी रख लेता हूँ और जेड इज ग्रेटर देन जीरो जी. सो टेकिंग डबल डेरिवेटिव, तो पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल जी. और यहाँ पे आप देखो कि वही चेन रूल लगेगा, पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स. और मैं यहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस मेरे पास बची हुई है और ख्वाहिशवारी से काम करना चाहिए. ठीक है, तो दिस इज माइनस पार्शियल टू यू बाई पार्शियल जी स्क्वायर, एंड इसका डेरिवेटिव पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स डेरिवेटिव माइनस वन आ गया. तो पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट पार्शियल टू यू बाई पार्शियल जी स्क्वायर. तो ये इक्वल आ गया जी. ठीक है, तो माई ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन रिड्यूस इज टू, अब बेसिकली हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, पार्शियल टू यू बाई पार्शियल जी स्क्वायर, एच की वैल्यू भी सब्सिट्यूट कर दें, माइनस जी जी. ठीक है, माइनस जी पार्शियल टू यू बाई पार्शियल जी स्क्वायर एंड पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो जी. अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जी. ठीक है, अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ. सबसे पहले मैंने अपनी इक्वेशन को रिड्यूस किया इस सिंपल फॉर्म में, अब इस इक्वेशन को मैं टेंपल फॉर्म में रिड्यूस करूँगा जी. तो दिस इज नथिंग बट पार्शियल टू यू बाई पार्शियल जी स्क्वायर माइनस जी पार्शियल टू यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. सो हेयर ए इज वन, लेट्स से बी इज जीरो एंड सी इज माइनस जी डी. तो बी स्क्वायर माइनस ए सी इज नथिंग बट जीरो माइनस वन इंटू माइनस जी एंड दिस इज जी. और ये पॉजिटिव है क्योंकि मेरी अजम्पशन ये थी कि जेड मेरा पॉजिटिव होगा, तो जेड इज ग्रेटर देन जीरो. सो वी आर इन हाइपरबोलिक कंडीशन जी. हाइपरबोलिक, सो द कंडीशन, या वी आर इन हाइपरबोलिक केस. ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा इन डिटेल जी. तो मेरे पास जो दो इक्वेशन, इस हाइपरबोलिक इक्वेशन, रिमेंबर दो लेक्चर में पीछे जाता हूँ, तो दो लेक्चर्स में पहले जो हमने हाइपरबोलिक को रिड्यूस करना सीखा था, तो हमने दो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने डेवलप की थी जिनकी स्लोप थी डी वाई बाई डी एच, ये था बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाई ए एंड दिस इज नथिंग बट, एंड ऑफकोर्स नाउ इट इज y and z, so this is now dy by dz, this is in this shape जी, because we reduce in from x to z जी. ठीक है, तो वो उसको उसी तरह नहीं लिखते ना, मैंने थोड़ा नोट्स में सही नहीं लिखा हुआ. बी स्क्वायर जीरो माइनस ए सी जी वन इंटू माइनस जी डिवाइडेड बाई वन एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ z जी. तो dy
is equal to, of course यहाँ पे माइनस साइन भी है, माइनस के रूट ऑफ जी डी जी जी. तो इसको इंटीग्रेट करना अब आप लोग कोई इशू नहीं है. लास्ट लेक्चर में आपने देखा ये काफ़ी डिफिकल्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आ रही थी. ठीक है, तो जब इस तरह की आ जाए तो आपको इंटीग्रेशन पे होल्ड होना चाहिए. सो डी वाई इज इक्वल टू माइनस के रूट ऑफ जी डी जी एंड इंटीग्रेशन यील्ड्स, इंटीग्रेशन यील्ड्स वाई इज इक्वल टू माइनस जेड पावर 3/2/3/2 प्लस सी आर वाई इज इक्वल टू -2/3 जेड पावर 3/2 प्लस सी एंड सी इज इक्वल टू वाई प्लस 2/3 जेड पावर 3/2. इसको मैं एक्साई क्या लेता होता हूँ जी, आप रिमेंबर करें, मेमोरीज को रिकॉल करें. तो एक्साई इज वाई प्लस 2/3 जेड 3/2 जी. सिमिलरली जब मैं सेकेंड इक्वेशन लेता हूँ, मैं यहाँ पे करूँगा इसको ईटा की वैल्यू भी ताकि एक साथ ही इसे स्लाइड पे काम हो जाए. ये एक नई एग्जांपल है जी, नहीं एग्जांपल तो लास्ट स्लाइड के ऊपर थी. सो दिस इज बेसिकली यही आपके पास फिर एज ए हैंड आउट आएंगे तो आप इनको देखेंगे. तो डी वाई बाई डी जी जो दूसरी कैरेक्टर से क्वेश्चन आती है वो बी प्लस बी स्केयर माइनस ए सी अवर ए. सो ये बेसिकली नथिंग बट स्केयर रूट ऑफ जी, और इसे जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 जी पावर 3/2 प्लस सी टू. इसको मैं सी वन कहता हूँ जी. और याद करें आप के जो मैं सी टू था उसको मैं ईटा कहता होता हूँ, तो ईटा की वैल्यू आ जाएगी वाई माइनस 2/3 जी पावर 3/2 जी. सो आई हैव नाउ ईटा, आई हैव नाउ एक्साई जी. ठीक है, एक्साई भी मेरे पास है, ईटा भी मेरे पास है, और एक्साई और ईटा की वैल्यूज इनको इनकी हेल्प से मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा. तो मैं यहाँ पे दोबारा लिखूंगा जी इनको, ताकि एक्साई इज इक्वल टू वाई प्लस 2/3 जेड 3/2 एंड ईटा इज इक्वल टू वाई माइनस 2/3 जेड पावर 3/2. तो एक्साई एक्स एक्साई जेड सॉरी एक्साई जी ये 2/3 इंटू 3/2 जेड पावर 3/2 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो z की पावर 1/2 बची. तो एक्साई z इज इक्वल टू z पावर 1/2 एंड एक्साई y दिस इज 1. सिमिलरली ईटा z माइनस z पावर 1/2 एंड ईटा y इज 1 जी. ठीक है, अब हम इसको लेके चलेंगे और जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन में यहाँ पे लिखता हूँ पार्शियल 2u बाय पार्शियल z स्क्वायर माइनस z पार्शियल 2u बाई पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को मैंने रिड्यूस करना है जी. सो पार्शियल 2u बाई पार्शियल x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल x, पार्शियल u बाई पार्शियल x दिस इज इक्वल टू नथिंग बट पार्शियल ओवर पार्शियल x, पार्शियल ओवर पार्शियल xy, पार्शियल u पार्शियल xy, पार्शियल xy ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल u बाई पार्शियल ईटा पार्शियल ईटा बाई पार्शियल ऑफ एक्स. ठीक है, एक्साई एक्स एक्चुअली इट्स हैबिट बनी हुई है एक्स एक्स में कहने की, और इसको हम हैबिट नहीं होनी चाहिए, वो हैबिट जो है हमें मसला करेगी. तो पार्शियल और पार्शियल जी, तो आप देखें पार्शियल जो है पार्शियल एक्साई बेसिकली वी हैव टू राइट इज दैट एज इट इज पार्शियल एक्साई व पार्शियल एक्स जी. सो दिस इज पार्शियल एक्साई व पार्शियल जी इज जी पावर 1/2 प्लस पार्शियल व पार्शियल जी पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा व पार्शियल जी माइनस जी पावर 1/2. अब देखें दोनों टर्म्स के ऊपर यू इन टू वी फार्मूला अप्लाई होगा और ये आएगा पार्शियल ओवर पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्साई एज इट इज,
और इसका डेरिवेटिव होता है जी 1 बाई टू जेड पावर माइनस 1 बाई टू, दैट्स इट, प्लस जी पावर 1 बाई टू और पार्शियल ओवर पार्शियल जी, ये एज इट इज आ गया जी, प्लस माइनस 1 बाई टू जी पावर माइनस 1 बाई टू पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा एंड माइनस जी पावर 1 बाई टू पार्शियल ओवर पार्शियल जी पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा जी। सो एट ब्रैकेट क्लोज करनी है, कर ले यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट वन बाई टू जी पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्साए प्लस जी पावर 1 बाई टू, तो इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्साए पार्शियल यू और पार्शियल एक्साए और पार्शियल एक्साए और पार्शियल जी प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल ईटा पार्शियल यू और पार्शियल ईटा एंड पार्शियल ईटा बाई पार्शियल जी माइनस 1 बाई टू, ये ब्रैकेट क्लोज जी, माइनस 1 बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ जी पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा एंड देन माइनस जी पावर 1 बाई टू, ब्रैकेट ओपन एंड वी हैव पार्शियल एक्साए इंटू पार्शियल यू और पार्शियल ईटा पार्शियल ईटा और पार्शियल जी प्लस पार्शियल और पार्शियल ईटा पार्शियल यू और पार्शियल ईटा पार्शियल दिस इज एक्साए पार्शियल ईटा और पार्शियल जी जी, ठीक है। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज विच वी हैव हियर एंड इन द नेक्स्ट इन दीज अप्रोप्रिएट प्लेसेस, सो पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एच स्क्वायर पार्शियल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्साए स्क्वायर माइनस 2z partial 2u by partial xi partial eta plus z partial 2u over partial eta square plus 1 over square root of z and this is equal to nothing but partial u over partial xi minus partial u over partial eta g. So this is your partial 2 u over partial z square. Now come to the second type, second term, partial 2 u over partial y square. This is partial over partial y, partial u over partial y, and this is nothing but partial u by partial xi and partial xi by partial y plus partial u by partial eta and partial eta by partial y. And I remember that partial xi by partial y is equal to 1 and partial eta by partial y is equal to 1. And this is nothing but partial over partial y, partial u over partial xi plus partial u over partial eta. And taking a double derivative, we have partial to partial over partial xi, partial u over partial xi, partial xi over partial x, not x, partial y, plus partial over partial eta, partial u over partial xi, and partial eta over partial y, plus partial, then note come to this term, partial partial xi partial u over partial eta partial xi over partial y plus partial over partial eta partial u over partial eta and last term is partial eta over partial y. So ye in sub ki values again 1 ho rahi, to ye aa gaya partial 2 u over partial xi square plus partial 2 u over partial xi partial eta प्लस पार्शियल टू यू और पार्शियल एक्साए पार्शियल ईटा प्लस पार्शियल टू यू और पार्शियल ईटा स्क्वायर, ओके। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू पार्शियल टू यू और पार्शियल एक्साए स्क्वायर प्लस टू पार्शियल टू यू और पार्शियल एक्साए पार्शियल ईटा प्लस पार्शियल टू यू और पार्शियल एक्साए एंड पार्शियल ईटा जी,
ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं मिलेंगी, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हम मॉडलिंग कर रहे हैं, कुछ हम रियल लाइफ से प्रॉब्लम उठाएंगे और उनको हम मॉडल करेंगे। ये टॉपिक आज हम इसको क्लोज कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आज फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। मैंने एंड पे एंड ऑफ द इस लेक्चर मैंने कुछ एक्सरसाइजेस भी दिए हैं आपको कि आप घर बैठ उनको करो और ये इन्हीं सवालों को रिपीट भी करो। सो पार्शल टू यू और पार्शल वाइस चेयर इज दिस सिंजी। सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन द रिड्यूस फॉर्म ऑफ ट्रिचोटॉमी इक्वेशन दैट इज पार्शल टू यू बाई पार्शल जी स्टेयर माइनस जी पार्शल टू यू बाई पार्शल वाई स्टेयर इज इक्वल टू जीरो जी। सो वैल्यूज यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ से सब्सिट्यूट करता हूँ, जी पार्शल टू यू बाई पार्शल एक्साइज स्टेयर माइनस टू जी पार्शल टू यू बाई पार्शल एक्साइज पार्शियल ईटा एंड प्लस टू पार्शियल टू यू बाई पार्शियल ईटा स्क्वायर प्लस वन ओवर टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एंड पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्साइज माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा एंड दिस इज नथिंग बट माइनस जी पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्साइज स्क्वायर माइनस टू जी पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्साइज पार्शियल ईटा माइनस पार्शियल टू यू और पार्शियल ईटा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सो आई जस्ट कॉपी इट फ्रॉम माई नोट्स, सो यू कैन सी दैट दीज टर्म्स आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर, हियर दैट इज मिसिंग। सो दिस टर्म कैंसल्स दिस टर्म, दिस टर्म्स कैंसल्स this term here, this is z, this is z, this is 2, so this is minus 4z partial 2u over partial xi partial eta plus 1 over 2 square root of z partial u by partial xi minus partial u by partial eta j. So we are इसको हम एट साइड पे ले जाएं और this is equal to 0 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं थोड़ा सा स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ, 1 ओवर 8 जी पावर 3 बाई 2 पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्साइज माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा एंड नाउ दिस इज अवर आंसर नो बिकॉज जेड इज हियर सो वी हैव टू रिमूव दिस जेड एंड वी हैव टू कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म अवर इक्वेशन इन एक्साइज एंड ईटा इन द न्यू कोऑर्डिनेट्स। सो गोइंग बैक टू व्हाट इज माई एक्साइज xi इज इक्वल टू xi इज नथिंग बट मैं वापस जाता हूँ मुझे xi इज y प्लस 2 बाई 3 z पावर 3 बाई 2 y प्लस 2 बाई 3 z पावर 3 बाई 2 एंड ईटा इज इक्वल टू y माइनस 2 बाई 3 z पावर 3 बाई 2। अब अगर मैं xi माइनस ईटा लूँ तो ये टर्म खत्म हो जाएगी और 2 बाई 3 z पावर 3 बाई 2 प्लस 2 बाई 3 z पावर 3 बाई 2 हो जाएगा और ये एलसीएम लूँ तो 3 इंटू 2 प्लस 2 z पावर 3 बाई 2 एंड दिस इज 4 बाई 3 z पावर 3 बाई 2 एट xi माइनस ईटा जी। तो z पावर 3 बाई 2 इज नथिंग बट 3 इंटू एट xi माइनस ईटा और 4। इसी वैल्यू में इसी क्वेश्चन में सब्सिट्यूट करता हूँ तो 1 ओवर 8 इंटू 3 इंटू एक्साइज माइनस सीटा डिवाइडेड बाई 4 पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्साइज माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा जी। सो दिस इज 2 एंड द फाइनल आंसर इज पार्शियल 2 यू ओवर पार्शियल एक्साइज पार्शियल ईटा 1 ओवर 6 इंटू एक्साइज माइनस सीटा एंड दिस इज पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्साइज माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा जी। सो स्टूडेंट्स आप देखें कि हमने अपनी जो गिवन ट्रिचोटॉमी इक्वेशंस थी उसको रिड्यूस कर लिया फॉर केस एक्स इज लेस देन जीरो जी।
हमने एक्स इज लेस देन जीरो के लिए अपने इस प्रॉब्लम को देखा तो हमारे पास हाइपरबोलिक इक्वेशंस आई और जो नेचर आई इक्वेशन वो हाइपरबोलिक थी और वहां से हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस की मदद से हमने दो इंटीग्रल को सॉल्व किया और एक को हमने एक्साइ कहा और एक को हमने ईटा कहा और उस एक्साइ और ईटा की मदद से फिर हमने उसको सॉल्व किया. लेकिन सारे स्टेप से पहले हमने ये किया कि हमने माइनस एक्स को रिप्लेस कर लिया, एक्स को रिप्लेस कर लिया माइनस जी के साथ जी, सो दैट एंड जी इज पॉजिटिव जी. इसके अगर आप नहीं करना चाहते तो इट्स अप टू यू. जो बुक है संतारा राव की उसमें भी ये एग्जांपल सॉल्व हुई हुई आई थिंक यस. और उस बुक में उसने इसको यानी ये स्टेप नहीं किया तो आप ना करो, इट्स अप टू यू. लेकिन इस स्टेप को करने से आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हो जाते हो जी, ठीक है. So, now coming to the second case. So, this is when x is less than 0. When x is less than 0. Now coming to the case when x is greater than 0. Case 2. When x is greater than 0. Basically, this gives me b square minus ac, this is 0 minus into 1 into h and this is minus h. अब देखिए h पॉजिटिव है और वो एक नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होती है, वो नेगेटिव दे रहा है. ये श्योर शॉर्ट बात हो रही कि आपकी जो गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है वो फॉर h इज पॉजिटिव के लिए या h इज ग्रेटर देन 0 के लिए वो इक्वेशन आपकी उसका डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव है एंड देयर फोर इट इज इलिप्टिक इन नेचर. ठीक है जी, और वो इलिप्टिक हो रही इन नेचर में. सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने इसको देखा था कि बल्कि लास्ट लेक्चर में हमने इसको सॉल्व किया था कि इलिप्टिक के लिए हम डी वाई बाई डी एक्स हम एक कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन लेंगे बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाई ए. मैं यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू भी लिख दूँ, ए वन था बी जीरो था और सी एच था जी, क्योंकि आपकी जो इक्वेशन थी ओरिजिनल यू एच एच प्लस एच यू वाई वाई इज इक्वल टू जीरो जी, वेरी सिंपल इक्वेशन जी हमने उठाई थी. ठीक है, तो आप ये सेकंड केस लिए व्हेन एच इज पॉजिटिव हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एच इज बेसिकली नथिंग बट बी जीरो है जी माइनस जीरो माइनस ए वन ये एच ओवर वन माइनस माइनस एच एंड दिस इज माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ एच जी. सो डी वाई बाई डी एच आपके पास आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ एच और इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, सिंपली इंटीग्रेट करें तो वाई इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच पावर थ्री बाई टू ओवर थ्री बाई टू प्लस सी एंड दिस इज नथिंग बट c इज इक्वल टू y प्लस आयोटा 2 बाई थ्री एच पावर 3 बाई टू जी. ठीक है, तो c की वैल्यू ये आ जी. नाउ इसको हमें ये कर्व थी जो इमेजिनरी कर्व होती है उसके अलावा हम इसी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे होते हैं तो फाइव ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू y प्लस आयोटा 2 बाई थ्री एच पावर 3 बाई टू. इस टर्म को मैं एक्साय कहता हूँ, इस टर्म को मैं ईटा कहता हूँ. लास्ट लेक्चर में मैंने इसको डिटेल से डिस्कस किया था और एक्साय जो है मेरा वो वाई हो गया और ईटा जो है वो मेरा 2 बाई थ्री एच पावर 3 बाई टू हो गया. मैं यहाँ से इनकी वैल्यूज भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, ईटा एच जीरो एक्साय एच जीरो ईटा एच एच पावर 1 बाई टू जी सिंप्लीफाई होती है एच पावर वन बाई टू एंड ईटा वाई वन एंड एच आई वाई वन एंड ईटा वाई जीरो जी. ठीक है, तो ये चार टर्म्स मेरे पास आ रही है जाय एच ईटा एच एच आई वाई एंड ईटा वाई के रेफरेंस से भी. सो इनको लेके आप बेसिकली हमने क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व यू वी हैव टू चेक यू एच एच एंड यू y y इज इक्वल टू जीरो जी. इसको हमने देखना है इनकी क्या वैल्यूज हैं जी. तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और ये वैल्यूज मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूँ.
ताकि इसको मैं यहाँ पे कॉर्नर में लिख लेता हूँ, ईटा एच इज इक्वल टू जीरो एंड एक्साय एच इज इक्वल टू जीरो एंड ईटा वाई इज इक्वल टू जीरो एंड एक्साय वाई इज इक्वल टू वन एंड ईटा एच इज इक्वल टू एच पावर वन बाई टू। आई होप कि मैंने सही लिखी होंगी, सिर्फ ईटा एच के ऊपर मुझे शक है, ईटा एच एच पावर वन बाई टू जी, ठीक है। सो यू एच एच इज नथिंग बट पार्शियल ओवर पार्शियल एच इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल एच एंड दिस इज पार्शियल ओवर पार्शियल एच, पार्शियल यू बाई पार्शियल एच इज पार्शियल यू बाई पार्शियल एच जाए पार्शियल एच जाए बाई पार्शियल एच प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा बाई पार्शियल एच। ओके, सो आप पार्शियल ईटा बाई पार्शियल एच जो है वो है एच पावर वन बाई टू एंड एट जाए एच जीरो है, तो फर्स्ट टर्म ये टर्म जीरो हो जाएगी जी, और पार्शियल ओवर पार्शियल एच एच पावर वन बाई टू पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा जी। अब यहाँ पे ये यू इंटू वी फार्मूला लगेगा, तो लगा दें एच पावर वन बाई टू पार्शियल ओवर पार्शियल एच जाए, मैं डायरेक्ट काउंट कर रहा हूँ जी, पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा, क्योंकि मैंने आगे थोड़ी एक्सरसाइजेस को भी टाइम देना है, पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा एंड पार्शियल एच जाए बाई पार्शियल जैसे रेफरेंस करो एच से रेफरेंस एच प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल ईटा पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा एंड पार्शियल ईटा बाई पार्शियल एच जी, ठीक है, और प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग इज वन बाई टू एच पावर माइनस वन बाई टू जी, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ एट जाए एच ज़ीरो, तो ये टर्म फिर ज़ीरो हो रही, ईटा एच एच पावर वन बाई टू एच पावर वन बाई टू इंटू एच पावर वन बाई टू पार्शियल टू यू ओवर पार्शियल ईटा स्क्वायर प्लस वन बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एच पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा एंड दिस इज नथिंग बट इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो दिस इज एच पार्शियल टू यू बाई पार्शियल ईटा स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट वन ओवर टू एच पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा जी, दिस इज यू एच एच जी। सो स्टूडेंट्स सिमिलरली हम यू वाई वाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यू वाई वाई इज नथिंग बट पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई, दिस इज पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्साय पार्शियल एक्साय बाई पार्शियल वाई प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा बाई पार्शियल वाई जी, पार्शियल ईटा बाई पार्शियल वाई लुक एट दिस दिस क्लोज टू जीरो एंड एक्साय वाई इज इक्वल टू वन, सो दिस इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्साय जी, ठीक है। और जब मैं इसे डबल डेरिवेटिव लेता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे, आप बाकी काम कर लेंगे, दिस इज नथिंग बट पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्साय स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू कैलकुलेट की मैंने, और ये जो वैल्यू है इसको मैं वन टू कह देता हूँ, और इसको मैं जो गिवन इक्वेशन है वहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो द गिवन इक्वेशन इज यू एच एच प्लस एच यू वाई वाई इज इक्वल टू जीरो, तो यू एच एच की जो वैल्यू आई थी वो थी एच पार्शियल टू यू बाई पार्शियल ईटा स्क्वायर माइनस वन बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एच पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा एंड प्लस एच इंटू पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्साय स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो एच कॉमन ले अगर आप तो पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्साय स्क्वायर में पहले लिख लेता हूँ प्लस पार्शियल टू यू बाई पार्शियल ईटा स्क्वायर, और इसको मैं रूट साइड पे ले जाऊँ वन ओवर टू स्क्वायर रूट ऑफ एच पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा और एच से डिवाइड कर दूँ पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्साय स्क्वायर प्लस पार्शियल टू यू बाई पार्शियल ईटा स्क्वायर वन ओवर टू एच सी पावर थ्री बाई टू पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा जी। सो अगेन आई एम लेफ्ट विद ओनली एच, तो एच को भी रिड्यूस करना है जी, तो मुझे पता है आई नो दैट माई एक्साय इज माइनस
2 by 3 h power 3 by 2 जी h power 3 by 2 so h power 3 by 2 is nothing but minus 3 by 2 eta जी ठीक है 3 by 2 eta तो इसी वैल्यू में जब यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो partial 2 u by partial xi square plus partial 2 u by partial eta square and 1 over 2 into minus 3 by 2 eta partial u by partial eta so we are left only with the partial 2 u over partial xi square plus partial 2 u over partial eta square is equal to minus 1 over 3 eta partial u over partial eta so this is our reduced form of elliptic equation when So, आपने देखा कि एक ही इक्वेशन को आपने दो तरह से रिड्यूस किया जी एक दफा जब आपका एक्स ग्रेटर देन 0 था तो आपके पास हाइपरबोलिक इक्वेशंस बनी और जब आपके पास एक्स सॉरी लेस देन 0 था तो हाइपरबोलिक बनी और जब एक्स ग्रेटर देन 0 था तो एलिप्टिक इक्वेशन बनी जी ठीक है तो आपने दोनों को आपने आप वेरिएबल को भी देख के डिसाइड करना होगा बेसिकली कि आप किस रीजन में हैं ठीक है और वो चीज आपको डिस्क्रिमिनेंट में आपको नजर आएगी जी ठीक है सो कम टू द एक्सरसाइजेस व्हिच आई वांट टू गिव यू सो दैट यू कैन मेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन दोस एक्सरसाइजेस सो स्टूडेंट्स आप को मैं कुछ एक्सरसाइजेस दूंगा जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा जो आपकी बेसिकली इसको प्रैक्टिस को एनहांस करेंगी different kind of equations और आप internet पे अगर आप web browsing करें तो आपको काफी ज़्यादा मवाद मिल जाएगा जी ठीक है पहली और आखिरी बात practice makes a man perfect ठीक है अगर आपकी practice नहीं आपने ये सोच लिया है कि मेरे अपने ज़हन में अच्छा यार ये तो बड़ा आसान सा मैं कर लूँगा then I promise you कि आप नहीं कर सकोगे ठीक है और अगर मैं ये कहूँ कि आप प्रैक्टिस करो तो 10-20 सवालों की 30 सवालों की तो आई एम श्योर कि आप एटलीस्ट आपको कोई भी पीडी दे दी जाए आप उसको रिड्यूस करना आपके लिए बायस का खेल हो जाएगा ये कैनोनिकल फॉर्म में ठीक है सो इन फर्स्ट एक्सरसाइज व्हाट आई वांट टू डू फ्रॉम यू क्लासिफाई द फॉलोइंग इक्वेशन एंड रिड्यूस देम टू कैनोनिकल फॉर्म जी आप इनको क्लासिफाई करें और इनको रिड्यूस करें जी ठीक है मैं इनके हर एक का हिंट भी देता जाऊंगा तो लेकिन पहले मैं आपको एक्सरसाइजेस बता दूं उसके बाद मैं फिर हर एक क्वेश्चन का हिंट दे दूंगा जी इन सेकंड एग्जांपल यू कैन सी इट्स अ वेरी लेंथी इक्वेशन बट यू हैव टू सॉल्व दिस जी हिंट मैं जरूर दूंगा जी थर्ड वन इज दिस थिंग जी फोर्थ वन इज वेरी सिंपल अगेन एंड फिफ्थ वन इज आल्सो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स अभी तक आपने जितने भी कोफिशिएंट देखे वो वेरिएबल कोफिशिएंट है तो ये बहुत आसान इक्वेशंस होती है नंबर 5 इस तरह की इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट हूं कोई मसला ही नहीं इंटीग्रेशन का सबसे आसान काम ठीक है सो हियर h स्क्वायर पार्शियल टू z और पार्शियल h स्क्वायर प्लस 2xy सो हियर वी हैव अगेन अ वेरी और दिस इज नॉन होमोजेनियस इक्वेशन एज वेल ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी देयर इज a 4h स्क्वायर एज वेल And in seven equation which I want to see, यहाँ पे आपको trigonometric functions नजर आ रहे हैं जी ठीक है टू साइन एक्स cos square x माइनस cos x समथिंग लाइक दैट तो ये सात एक्सरसाइजेज हैं जिनके आपने रिड्यूस करना है एंड देन इस पेयर में आपने बेसिकली आपने रीजन फाइंड आउट करना है कि एक्स वाई के रीजन कहाँ के कहाँ पर ये इक्वेशन एलिप्टिक है और कहाँ पर ये इक्वेशन हाइपरबोलिक है ठीक है तो मैं आपको ये थोड़े थोड़े हर एक का हिंट देता जाऊंगा ताकि आपके लिए सॉल्व करने में आपको आसानी हो और असाइनमेंट जो आपको मिले उसके लिए भी फिर आपको आसानी हो ये हिंट आपको काम आएंगे जी सो जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो तो इतनी मुश्किल नहीं थी मैं यहाँ से y पार्शियल टू z और पार्शियल h स्क्वायर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँ क्योंकि मेरी लिखने का स्टाइल कुछ डिफरेंट है प्लस एक्स प्लस वाई पार्शियल टू जी ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई प्लस एक्स पार्शियल टू जी ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर
तो यहाँ पे आपने बस ये देखते हैं कि आपका ए जो है वो है वाई, टू बी आ गया आपके पास एक्स प्लस वाई, एंड सी आ गया आपके पास एच सी। तो यहाँ से बी क्या आ गया आपके पास वन बाई टू एक्स प्लस वाई जी। तो डिस्क्रिमिनेंट आप चेक करोगे बी स्क्वायर माइनस ए सी, दिस इज नथिंग बट वन बाई फोर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू दिस एच जी, ऐसा ही है जी। सो वन बाई फोर दिस इज एच स्क्वायर प्लस दिस इज वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एच वाई माइनस नॉट दिस इज नॉट वाई एच बेसिकली दैट्स व्हाई आई कंफ्यूज, दिस इज एच वाई और एच मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दिस इज वाई इंटू एच सी, तो दिस इज एच वाई। तो ये आ गया आपके पास वन बाई फोर एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर टू डिवाइड कर दें तो एच वाई अवर ये क्या आ गया आपके पास जी टू माइनस एच वाई जी, माइनस एच वाई एंड दिस इज प्लस एच वाई वन बाई फोर एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन बाई टू एच वाई जी। सो वट इज दिस, इज दिस ए पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव और दिस इज ए इक्वल टू जीरो। सो आपने अभी ये डिसाइड करना है और डिसाइड कैसे करना है मैं आपको उसका हिंट बता रहा हूँ। चे लुक एट दिस, इस टोटल में ऐसे लिखूँ कि वन बाई टू कॉमन लेके, ठीक है, सो आई डिड आई रोट द राइट थिंग, यस, एच प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस एच वाई जी, ऐसा ही है जी, माइनस एच वाई बाई टू, ये टू यहाँ पे भी है इसका, तो वन बाई टू ये टू इंटू एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एच वाई जी। सो दिस इज वन बाई फोर एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एच वाई। तो ये एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज दिस ए पॉजिटिव और इफ दिस इज ए नेगेटिव, तो उसका मैं आपको बजाय इससे कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में अलजबरा में जाओ, मैं आपको एक सिंपल सा हल बताता हूँ, वेरी सिंपल। आप एक्स और वाई की दो डिफरेंट वैल्यूज लो जो पहले दोनों पॉजिटिव हों, आप आंसर देखो। आप एक्स और वाई की दो वैल्यूज लो जो नेगेटिव हों, आप आंसर देखो। और आप इस तरह से एक्स और वाई की दो वैल्यूज लो जो उनके अपोजिट साइन हों और उनका आंसर देखो जी, ठीक है। लेट्स से एक्स इज इक्वल टू फोर एंड वाई इज इक्वल टू फोर जी। तो लुक एट दिस वन बाई फोर, देर इज नथिंग टू डू विद वन बाई फोर, द एक्चुअल थिंग्स आर हेयर, सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन जी। तो सिक्सटीन ये पॉजिटिव आ गया जी, वैन एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव आ गया। अब मैं एक्स की वैल्यू माइनस फोर लेता हूँ और वाई की वैल्यू माइनस फोर लेता हूँ, दोनों नेगेटिव ले लेता हूँ, तो आप देखो कि माइनस फोर स्क्वायर प्लस माइनस फोर स्क्वायर माइनस इंटू माइनस फोर इंटू माइनस फोर, तो सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन, अगेन ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और अगर मैं एट की वैल्यू पॉजिटिव ले लेता हूँ और एट की वैल्यू मैं नेगेटिव ले लेता हूँ तो फिर भी ये पॉजिटिव रहेगा जी। लुक एट दिस, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर इंटू वाई माइनस फोर, सो दिस इज पॉजिटिव जी, सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, आइदर यू डिवाइड बाई फोर एज वेल जी। सो इन जनरल we can see that for every value of x and for every value of y, suppose there is some special values from 0 to 1 ji, agar mera 0 to 1 se x belong karta hai, let's say x is equal to 0.2 and y is equal to 1, main entire special case bhi leke check kar raha hu, otherwise this is a proved thing that this is a positive value ji, main just aapko bata raha hu in case अगर आपको बात समझना आ रही हो पेपर में सेशन में तो आप कैसे करोगे, आप ये जो प्रोसीजर है आप इसको देखोगे, वाई इज इक्वल टू वन तो एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एच वाई, तो एच स्क्वायर मीन्स पॉइंट टू पॉइंट जीरो फोर प्लस वन माइनस दिस इज पॉइंट टू इंटू वन जी,
So look at this, 1.4 minus 0.2, of course this is again positively. ठीक है, ये अगेन आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही, सो दिस इज पॉजिटिव वैल्यू. अब मैं आपको चलता हूँ मैथमेटिक्स के ऊपर. अगर आप सातवीं आठवीं में या उससे लेट अगर आपने मैथमेटिक्स जो पढ़ी थी, सॉरी मुझे बहुत पीछे लेके जाना पड़ रहा है आपको, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ें देखी थी कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई दिस थिंग इज पॉजिटिवली, सो दिस इज ए हाइपरबोलिक टाइप ऑफ इक्वेशन. So in the next example, y square partial 2z over partial x square minus 2xy partial 2z over partial x partial y plus x square partial 2z over partial y square minus y square by x partial z by partial x and minus x square by y partial z by partial y. तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें ए आपके पास है वाई स्क्वायर, बी आपके पास है एक्स वाई माइनस एक्स वाई जी, टू बी आप लेते हो ना, तो टू बी इज इक्वल टू माइनस टू एक्स वाई, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस जी एंड सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी. तो बी स्क्वायर माइनस ए सी इज नथिंग बट माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, this is equal to zero. So this is a parabolic type. मैं अब आगे चलते हुए लेट से मैं क्वेश्चन नंबर सेवन करता हूँ जी, ठीक है, बाकी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, वो कोई इतना इशू नहीं है. बेसिकली मैं हिंट जो है वो इसी तरह देना चाह रहा था, क्योंकि ये नई चीज़ है जो आपको शायद आपको हो जी, हमने इससे पहले प्रैक्टिस नहीं की, तो ये सर ने क्या दे दिया, माइनस क्रॉस चेयर ऑफ एक्स partial 2u by partial y square minus cos of x partial u by partial y is equal to 0. So students, yahan pe dekhiye, look at this, a is equal to 1, 2b is equal to minus 2 sin of x, this implies b is equal to sin of x, theek hai, and c is equal to minus cos square of x. So what is b square minus ac, b square minus ac is equal to, this is minus sin as well, minus sin x square minus into 1 into minus cos square x. So this is sin square x plus cos square x, the basic identity hoti hai, this is equal to 1 and which is positive, so aapke paas again aapke paas it हाइपरबोलिक टाइप बन गई, और फिर आपके पास यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बनेंगी और आपने इनको इंटीग्रेट करना है और सॉल्व करना है. और स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊँ, लेट्स से इस सेट में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखना चाहूँ, तो जो मेरी थी डी वाई बाई डी एक्स, ए थी बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाई ए, तो बी इज माइनस साइन एक्स माइनस into sin square x plus cos square x divided by 1. So dy by dx is equal to minus sin of x. तो इसको इंटीग्रेट करूँगा तो sin इंटीग्रल आपको पता है माइनस क्रॉस होता है, तो ये माइनस इंटू माइनस क्रॉस ऑफ एक्स प्लस सी वन, तो एक्साइ मेरे पास आ जाएगा y माइनस क्रॉस ऑफ एक्स, इस टर्म में आपके पास एक्साइ आ जाएगा इस तरह से, और इसी तरह से आपके पास ईटा आएगा और आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है. नाउ कम टू दी दो नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर दिस आई वांट टू गिव यू अ हिंट, लेट्स से 1 माइनस एच स्क्वायर पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एच स्क्वायर माइनस पार्शियल टू यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो इसमें क्वेश्चन ये था कि आप आइडेंटिफाई करें वो रीजन इन एक्स वाई प्लेन वेयर योर इक्वेशन इज हाइपरबोलिक एंड वेयर योर इक्वेशन इज इलिप्टिक. सो उसके लिए मैं सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट ही देखूंगा. सो माई डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 1 माइनस एट स्टेयर एंड बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 1 जी. सो बी स्टेयर माइनस ए सी 0 माइनस इंटू माइनस 1 इंटू 1 माइनस एट स्टेयर जी. सो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 1 माइनस एट स्टेयर जी.
So one is positive, x here is positive, but what happened when x is greater than 1? Look at this. For example, if x is 2, then we have in this situation 1 minus 4, which is less than 0. But if x is 0.5, then we are in the situation when 1 minus 0.25, 0.5 plus here 0.25 hota hai. So this is 0.75 greater than 0. So यहाँ पे इस आपका रीजन चेंज हो रहा है किसी कुछ सर्टन पीरियड के लिए आपका रीजन की वैल्यू कुछ है वो एलिप्टिक हो रही है इक्वेशन और फॉर सर्टन वैल्यूज ऑफ एक्स आपकी इक्वेशन जो है वो हाइपरबोलिक हो रही है जी. सो कैसे अभी देखें कि इफ 1 माइनस एच स्क्वायर इज लेस देन 0 देन एलिप्टिक जी. तो अगर ये 1 माइनस एच से लेस देन 0 हो तो ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 और आई कैन राइट दिस एच स्क्वायर इज माइनस एच इज माइनस 1 और एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 जी. सो दिस इज 1 माइनस एच स्क्वायर इज लेस देन 0 दिस मीन्स दिस इज एलिप्टिक. तो अब x की कौन सी वैल्यू से लिए एलिप्टिक हो रही व्हेन h mod और इन अदर वर्ड्स h mod इज ग्रेटर देन 1. इस टोटल में इस तरह लिखूं कि 1 माइनस h स्क्वायर इज लेस देन 0 सो देन 1 इज लेस देन h स्क्वायर. ठीक है और इसको फिर मैं अगर mod की फॉर्म में लिखना चाहूं तो वो इस तरह से लिखता हूं. ये बेसिक कैलकुलस है जी. ठीक है h स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं जी h mod greater than 1 जी. यानी चाहे एच सी वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे एच सी वैल्यू नेगेटिव हो जी उस वो अगर 1 से बड़ी है तो आपके पास इक्वेशन एलिप्टिक हो रही. लेट्स से अगर मेरी एच सी वैल्यू माइनस 4 थी तो माइनस 4 मॉड क्या हो जाएगा 4. 4 ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये एलिप्टिक हो जाएगी जी. ठीक है एच मॉड इज ग्रेटर देन 1 जो भी वैल्यू हो रही वो. और यहाँ पे चाहे आप 4 की वैल्यू माइनस 4 सब्स्टिट्यूट कर लें तो 1 माइनस माइनस 4 स्क्वायर 1 माइनस इनटू 16 माइनस 17 लेस देन 0 जी. सो दिस इज एलिप्टिक जी. और इन अदर वर्ड्स तो ये आपके पास रीजन आ गया एट्स मॉड इज ग्रेटर देन 1 के लिए जी. एंड इफ 1 माइनस एट स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 और इन अदर वर्ड्स माइनस एट स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस 1 और एट स्क्वायर इज लेस देन 1 और दूसरे लफ्जों में मैं एच मॉड इज लेस देन 1 लिख सकता हूँ. तो एच मॉड इज लेस देन 1 के लिए आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो हाइपरबोलिक हो जाएगी क्योंकि कोई भी वैल्यू लोड रहे तो ये टर्म आपको पॉजिटिव दे रही है. एच की कोई भी वैल्यू लोड रहे तो यहाँ पे ये टर्म आपको पॉजिटिव दे रही है और ये क्या है ये डिस्क्रिमिनेंट है और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो वो हाइपरबोलिक होती है जी और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो वो एलिप्टिक होती है जी. सो दिस इज ये हिंट था लेकिन मैंने सॉल्व भी कर दिया. तो अगला जो सवाल है वो मैं लिखता हूँ पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एच स्क्वायर प्लस एच वाई पार्शियल टू यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर जी. हेयर ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू एच वाई. सो बी स्क्वायर माइनस ए सी इज बी 0 माइनस 1 इंटू एच वाई जी. सो दिस इज बेसिकली माइनस एच वाई जी. सो यहाँ पे हम हमारे पास कुछ केसेस आ जाते हैं जी. लेट्स से केस 1 ये हिंट है जी व्हेन एच पॉजिटिव हो एंड वाई पॉजिटिव हो तो क्या हो रहा है. ये हिंट है और सॉल्व आपने करना है. आई एम जस्ट राइटिंग दिस हियर. केस 2 when x is greater than 0 but y is less than 0 जी. केस 3 when x is less than 0 but y is greater than 0 जी. and केस 4 when x is less than 0 and y is लेस देन 0 जी. सो ये चारों केसेस यहाँ पे आपने देखने और फिर आपने
देखना है ये इक्वेशन एलिप्टिक है, पैराबोलिक है, क्या है और क्या नहीं है जी, ठीक है। हाँ, और ये इवन आप आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये एक किस्म का डिस्कशन आपको भी मैं इसके ऊपर दे रहा हूँ कि ये एक किस्म की आप इसको डिस्कशन मटेरियल भी है, कोई भी आप इस तरह से वेब ब्राउजिंग करें और एक्सरसाइजेज उठाएं तो आप उनको डिस्कस करें कि वो कब एलिप्टिक है, वो कब पैराबोलिक है, वो कब हाइपरबोलिक है जी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने आज ये दोनों ये ना सिर्फ ये दो बल्कि ये सात एक्सरसाइजेज ये और दो नौ एक्सरसाइजेज मैं आपको दे रहा हूँ, आपने इनको सॉल्व करना है। और डेफिनेटली अगर आपको कोई इश्यूज हों तो आप आपस में आपका कम्युनिकेशन होनी चाहिए एक स्टूडेंट दूसरे के साथ, अदरवाइज यू कैन गो एंड इन द लाइब्रेरी एंड गेट द बुक्स विच आई रोट इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, वहाँ पे मैक्सिमम एक्सरसाइजेज वहाँ पे ये सॉल्व पड़ी हुई हैं जी, ठीक है। सो द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर इज बेसिकली वी फोकस्ड ऑन मिड्स टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड आई solve one example and then we discuss on some exercises. So basically this is the main point of our today's lecture is that number 2 section 2 and this section 3 is important for your practice point of view. So mujhe umeed hai ki aapka din aaj ka din acha guzrega ye kaam karte hue, aapko kaam jaise maine pehle bataya ki semester system mein aapko roz se kaam roz karna hai, जैसे आज आप ये काम नहीं करते फॉर एग्जांपल, तो कल जब हम मॉडलिंग करेंगे फिजिकल सिस्टम जो उठा के, तो ऑफ कोर्स फिर उसका अपना होमवर्क हो जाएगा और ये होमवर्क चलता रहेगा। ये टोटल हमारी 32 क्लासेज होती हैं जिसमें हमने 6 मॉडल कोर्स या वो कवर करना होता है। इट्स नॉट लाइक एन एनुअल सिस्टम के आखिरी दिन बैठ के हम पढ़ लेंगे, आखिरी दिन बैठ के कोई भी नहीं पढ़ सकता जी सेमेस्टर सिस्टम में। सो ये जस्ट एक एडवाइस थी आपको, अमल करें तो ठीक, ना करें तो आपकी मर्जी। सो बहरहाल कल तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स।